नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए काफी बड़ा हायरिंग अपडेट लेकर आ चुका हूं। हां दोस्तों, इंफोसिस की हायरिंग एक बार फिर से स्टार्ट हो चुकी है फॉर द बैच ऑफ 2022-21-2019 बैचेस के लिए। इसकी दोस्तों लास्ट डेट होने वाली है 1 मई 2022। मास रिक्रूटमेंट होने वाला है। हाँ दोस्तों, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, साथ ही साथ कैसे आपको प्रिपरेशन करने वाली है, इसके बारे में दोस्तों इन डिटेल बताने वाला हूं। उससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 टेलीग्राम चैनल है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि एक में हम प्रिपरेशन कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, उसके लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस बार जो हायरिंग हो रही है दोस्तों, सिस्टम इंजीनियर एज वेल एज ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल के लिए होने वाली है। सिस्टम इंजीनियर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दोस्तों 2022-21-2019 बैचेस एलिजिबल है। पीई, बीटेक, एमई, एमटेक की दोस्तों सारी ब्रांचेस एलिजिबल है, दैट इज दोस्तों केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, ईसी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सभी एलिजिबल होने वाले हैं। एमसीए, एमएससी के लिए दोस्तों कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आईटी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स ब्रांचेस एलिजिबल हैं। नो एक्टिव बैकलॉग। हाँ दोस्तों, आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, इसका दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की बात करता हूं तो दोस्तों यहां सिर्फ और सिर्फ बीसीए एंड बीएससी वाले बीएससी एंड बीसीए के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। साथ ही साथ दोस्तों बीसीए एंड बीएससी में से सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, पर दोस्तों यहां डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, जिसमें दोस्तों कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2022-21-2019 बैचेस एलिजिबल होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों इन दोनों ही रोल्स का कुछ कॉमन क्राइटेरिया है, वो मैं आप सभी को बता देता हूं। कंफर्मेशन मेल विल बी सेंट आफ्टर फिलिंग द फॉर्म ओनली व्हेन इट्स फिल्ड कंप्लीटली। दोस्तों कंफर्मेशन फॉर्म आपको जो दोस्तों मेल है, कंफर्मेशन मेल विल बी सेंट आफ्टर फिलिंग द फॉर्म, जैसे ही दोस्तों आप फॉर्म भर दोगे उसी के बाद आपको भेजा जाएगा कंफर्मेशन मेल। कैंडिडेट फुलफिल्स द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यूजली मिनिमम 60% इन ऑल एकेडमिक सिंस 10th। सिंस 10th का मतलब यह है कि दोस्तों 10th, 12th एज वेल एज ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी एटलीस्ट 60% होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड गिवन एग्जाम और इंटरव्यू इन द इन्फोसिस लिमिटेड और इन्फोसिस ग्रुप। दोस्तों इसका मतलब यह है कि एग्जाम और इंटरव्यू का मतलब यह है कि एग्जाम डेट से अगर आप एग्जाम में भी रिजेक्ट हुए उस डेट से, या फिर इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए उस डेट से, आपको 3 महीने बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर दोस्तों 3 महीने नहीं हुए तो दोस्तों प्लीज इसमें अप्लाई मत कीजिएगा। अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर दोस्तों टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू आप लोगों का होने वाला है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इनके एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूं। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमने हमारे चैनल ऑलरेडी बहुत सारी जॉब पोस्ट अपडेट कर रखे हैं, मेक श्योर आप उनमें भी जरूर अप्लाई करिएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो इंफोसिस की हायरिंग आ चुकी है, इसका दोस्तों यूआरएल देखिएगा, सिस्टम इंजीनियर मे मंथ की हायरिंग होने वाली है। हाँ दोस्तों, मैं फिर से बता दूं, मे मंथ की हायरिंग है। इसमें दोस्तों आपको चेक इन करना है एंड एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों फॉर्म आ जाएगा, यह दोस्तों आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एनईजी में, दैट इज दोस्तों बीएससी एंड बीसीए स्टूडेंट्स का फॉर्म है, इसको आप फिल कर सकते हो, इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट है दोस्तों डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म, मेक श्योर आप इसको भी ध्यान से भरिएगा। दोस्तों अपडेटेड सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस की बात करता हूं, तो फॉर अपडेटेड सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस वी हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड वीडियो दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अपडेटेड एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें भी आपको काफी चीजें मिलने वाली हैं। मैं फिर से बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको प्रिपरेशन कंटेंट मिलता रहेगा। हमारे चैनल पर ऑलरेडी हमने सैंपल पेपर भी अपलोड कर रखा है। नेक्स्ट है फॉर प्रिपरेशन आल्सो वी हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो। दोस्तों अगर आपको प्रिपरेशन करनी है सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए, और दोस्तों ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव और सिस्टम इंजीनियर में सिर्फ एक राउंड नहीं होता है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में, अदरवाइज दोस्तों प्रिपरेशन बिल्कुल सेम होने वाली है, तो मेक श्योर दोस्तों आप इन दोनों वीडियोस को देखिएगा और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा। और दोस्तों इस हायरिंग का मैं कंफर्मेशन जेन्युइन अपडेट भी दे देता हूं। अभिषेक वर्मा जो कि दोस्तों सीनियर एनालिस्ट एट इंफोसिस में है, दोस्तों इन्होंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर पोस्ट किया है, जैसा कि आप देख सकते हो लास्ट डेट दोस्तों 1 मई होने वाली है।
वो भी दोस्तों इन्होंने पोस्ट किया है, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट में संडे पैकेजेस मेंशन कर रखे हैं, 3 मंथ्स का क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है, सब कुछ दोस्तों इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। मेक श्योर यार आप इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।